मैं शहबाज अंसारी, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल लाइव तड़का में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया नया वीडियो, अंडा तोड़ फोड़ विद फ्लावर। और तो चलिए आपको ले चलते हैं किचन की तरफ। अंडा तोड़ फोड़, उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है कांदा, दो बड़ा साइज कटा हुआ। टमाटर जो है वो आपको दो छोटा साइज कटा हुआ पहले काट कर आपको रख लेना है। अदरक है दो छोटा साइज, इसको हमें पेस्ट बनाना है। लहसुन है 7 से 8 है, उस ये सब मिक्स करके हमें अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है दोनों। यह है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून। ये जीरा, तेज़पत्ता, कड़ी पत्ता, ये मैं तड़का मारूंगा इससे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप तेज़पत्ता सिर्फ ले सकते हैं, तेज़पत्ता लेके आप तड़का मार सकते हैं इससे। अंडा लेना है 7 पीस, फ्लावर है 250 ग्राम, इसको आपको 10 मिनट ही उबालना है इसको। हरी मिर्च है 4 पीस, ये अभी उबालने के बाद मुझे इसको तलना है। अदरक और लहसुन इसमें डाल रहा हूँ, मुझे इसका पेस्ट बनाना है। अभी मुझे जो टमाटर काट के रखा था उसका भी पेस्ट बनाना है, पहले सबसे पहले मैं इसका पेस्ट बना लेता हूँ। ये देखो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया है, अभी मुझे टमाटर का पेस्ट बनाना है। और ये लहसुन का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, टमाटर का पेस्ट रेडी कर लिया है। अभी हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है। इसमें 4-5 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालना है, ऑयल को थोड़ा गर्म करना है। मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अभी उसमें मुझे फ्लावर डालना है। फ्लावर डाल के इसमें इसको तल लेना है। ये हरी मिर्ची है, 4 हरी मिर्ची है, इसको भी मुझे तल लेना है। ये तब तक आपको तलना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। ये देखो मैंने फ्लावर को ब्राउन कर लिया है, अभी इसको हमें निकाल लेना है। इसका हल्का हल्का ब्राउन करना है आपको, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अभी तेल इसमें मेरा बचा हुआ थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा तेल और इसमें ऐड करेंगे। चार से पाँच टेबल स्पून इसमें ऑयल डालना है। पहले मुझे इसके अंदर तेज़पत्ता डालना है, कड़ी पत्ता डालना है, जीरा डाल के तड़का मार लेना है इसको। इसको लाल ब्राउन करना है, हल्का ब्राउन, कड़ी पत्ता और तेज पत्ता को हल्का ब्राउन करना है मुझे। ये देखो मेरा ये ब्राउन हो गया है, तेज पत्ता कड़ी पत्ता ब्राउन हो, उसके अंदर मुझे कांदा को डाल के इसको ब्राउन कर लेना है। अब या आज को मुझे थोड़ा सिलो करना है, सिलो करके इसको ढक देना है। ढकने से क्या होता है कि जो ये कांदा है ना सॉफ्ट हो जाता है, यानी मुलायम हो जाता है, और ये ब्राउन भी अच्छा ब्राउन भी हो जाता है इसमें। इसके लिए इसको ढक देना है पहले। ये देखो प्याज मेरा ये ब्राउन हो गया है, अभी इसके अंदर मुझे टमाटर का पेस्ट डालना है, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अब मुझे इसके अंदर ये गरम मसाला जो है जो मैंने निकाला था ये सब इसमें ऐड कर देना है सारे के सारे। ये मैं सब मैं ऐड कर दिया हूँ, हल्का से मुझे पानी डालना है, हल्का सा बस।
ये पानी डाल के मुझे इसको ढक देना है। अब कब तक इसको ढकना है, कब तक इसको ढक के पकाना है कि तेल अलग हो जाए, मसाला अलग हो जाए। ये देखो हमने मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है इसको, देखो अच्छे तरीके से भून लिया इसको, तेल इसका अलग हो गया। हमें हाफ गिलास पानी डालना है। ये पानी मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये मसाले को वापस पका सकूँ। थोड़ा पानी डाल दिया इसमें, अभी इसको हमें उबाल खाने तक पकाना है, यानी 5 से 10 मिनट आप इसको पका लो। चलो अभी इसको, ये जो अंडा है इसको हम तोड़ लेते हैं। थोड़ा बड़ा साइज़ में भी काट सकते हैं, मैंने इसको छोटा साइज़ में काटा है। ये है तोड़ फोड़, ये देखो मैंने काट लिया है थोड़े बड़े साइज में। ज़्यादा छोटा ज़्यादा बारीक काटूंगा तो ये क्या है, पूरा मसाले में पूरा मिक्स हो जाएगा, फिर मालूम नहीं पड़ेगा। अभी इसका 5 मिनट पूरा हो गया, मैंने 5 मिनट पका लिया इसको। ये देखो ये मेरा जो ग्रेवी है ये अच्छे से रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमें अंडा को ऐड कर देना है। तो हाथ से हल्के हाथ से इसको ऐसा चला लेना है। हल्के हाथ से चलाओगे तो क्या अंडा ये जो है टूट के पूरा ख़राब नहीं होगा, इसमें टूट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। ये हल्के हाथ से इसको चलाना है। ये देखो ये मेरा रेडी हो गया। अब इसको 2 मिनट और पकाना है। इसको ढक दिया है अभी, ये मेरा 2 मिनट पूरा हो गया। 2 मिनट मैंने इसको पका के अभी इसको ढक्कन को खोल दिया है। ये देखो पूरा पक के मेरा रेडी हो गया। अब मुझे गैस को बंद कर देना। अब इसके अंदर मुझे कोथमीर डाल देना है, फ्लावर डाल देना है। इसको मिक्स करना है, हल्का से मिक्स करना है, हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। ज़्यादा इसको इधर उधर करोगे तो क्या है, फिर ये ख़राब हो जाएगा। ये देखो हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है फ्लावर को, ताकि जो मसाला है फ्लावर में मिक्स हो जाए। ये मैंने हरा मिर्च डाल दिया ऊपर से। इसके अंदर अभी सबसे आखिरी में इसके इसमें नमक डालना है, सबसे आखिर में। सब पहले डालते हैं, मैं आखिर में डालता हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। इसके अंदर हमें नींबू भी ऐड करना है, हल्का सा इसमें डाल देना है। और इसको 2 मिनट के लिए इसमें इसको भाप पे रख देना है, हल्का इसको मिक्स करके ऐसा भाप पे रख देना है। इसको ढक के 2 मिनट रख देते हैं। ये देखो 2 मिनट मेरा हो गया, ये भाप पे रख देते 2 मिनट के लिए। अब मुझे गैस को बंद कर देना। गैस को बंद करने के बाद ये जो है कोथमीर वापस डालना है इसके ऊपर से, बड़े बड़े पीस में। इसको मैंने तोड़ लिया था, इससे क्या है कि जो ये सालन है ना ये अच्छा दिखता है ऊपर से। आप मेहमान के सामने अगर ये इसको सर्व करोगे तो ये अच्छा दिखेगा। ये हो गया मेरा, हो गया अब ये सालन तोड़ फोड़, अंडा तोड़ फोड़। हेलो गाइज, तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें।